हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मंत्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको तिरुमला कैसे पहुंचना है, आप तिरुपति में कहाँ रुक सकते हो, आपको दर्शन पास कैसे पाने हैं और भी बहुत कुछ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम सब जानते हैं तिरुपति ये भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, या रोजाना लाखों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। क्या आप भी तिरुपति जाना चाहते हो मगर आपको पता नहीं कैसे जाना है? डरिए मत, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आपका दर्शन बड़ी आसानी से हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आप तिरुमला कैसे पहुँच सकते हो, आप दर्शन पास कैसे पा सकते हो, आप तिरुमला में कहाँ रह सकते हो। दूसरी स्टेप में मैं आपको बताऊंगा आप तिरुमला पहुंचने के बाद रूम एलोकेशन कैसे करवा सकते हो, आपकी दर्शन प्रोसीजर क्या होगी, और सबसे आखिरी स्टेप आपका दर्शन होने के बाद आप तिरुमला कहाँ घूम सकते हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहली स्टेप है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको तिरुमला पहुंचना कैसे है। तिरुमला पहुंचने के लिए आप ट्रेन से, रोड से या एरोप्लेन से पहुंच सकते हो। तो सबसे पहली बात करते हैं ट्रेन से कैसे पहुंचना है। ट्रेन से तिरुमला पहुंचने के लिए आपको तिरुपति या रेणिगुंडा जंक्शन की कन्फर्म टिकट बुक करवानी होगी। तिरुपति पहुंचने के बाद आपको प्राइवेट या सरकारी बसेस अवेलेबल होगी, मगर तिरुपति स्टेशन पे सब ट्रेन नहीं जाती, इसलिए आप रेणिगुंडा जंक्शन जो तिरुपति से थोड़ा आगे है इसकी टिकट भी बुक करवा सकते हैं। रेणिगुंडा जंक्शन एक बड़ा जंक्शन होने के कारण यहाँ पे सब ट्रेन 10 से 15 मिनट रुकती है। यहाँ से भी आपको सरकारी या प्राइवेट बसेस तिरुमला के लिए अवेलेबल होगी। इसलिए www.irctc.co.in पे जाके अपनी कंफर्म टिकट बुक करवा ले। अगर आप तिरुमला रोड से आने के बारे में सोच रहे हो तो आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट गाड़ी से भी यहाँ पहुँच सकते हो। आपको रेणिगुंडा, तिरुपति, चेन्नई, वेल्लोर ऐसे जैसे बड़े शहरों से भी कंटिन्यू बस सेवा अवेलेबल है। एरोप्लेन से तिरुमला पहुंचने के लिए आप चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या श्री वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रेणुगुंटा में है इसकी फ्लाइट बुकिंग करवा सकते हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको 9 से 10 घंटे का वक्त लगेगा तिरुमला पहुंचने में। वैसे ही श्री वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको 3 से 4 घंटे का वक्त तिरुमला पहुंचने में लगेगा। ये तो बात हुई ट्रैवलिंग की। आगे देखते हैं कि दर्शन पास क्या होता है, कितने प्रकार के दर्शन पास आपको मिलते हैं और आप उसे कहाँ पा सकते हो, इसके बारे में डिटेल जानकारी। तो दोस्तों, आप में से जो लोग पहली बार तिरुमला जा रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि श्री बालाजी भगवान के दर्शन के लिए आपको दर्शन पास की ज़रूरत पड़ती है। दर्शन पास आप पैसे देकर या मुफ्त में पा सकते हो। दर्शन पास 6 प्रकार के होते हैं: शीघ्र दर्शन, दिव्य दर्शन, सर्वदर्शन, VIP ब्रेक दर्शन, स्पेशल दर्शन, इनपेट एंट्री दर्शन। आखिरी के 3 टाइप ये स्पेशल एंट्री दर्शन के पास है। ये पास आप तिरुमला में ही पा सकते हो। तो बचे हुए 3 पास के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है शीघ्र दर्शन या स्पेशल एंट्री दर्शन पास। ये आप 300 रुपये का भुगतान करके पा सकते हो। ये पास आप 3 महीने पहले या 3 घंटे पहले तक पा सकते हैं। ये पास पाने के लिए आप TTD की वेबसाइट या ई दर्शन काउंटर जो ऑल ओवर इंडिया लोकेटेड है यहाँ पर जाके आप ये पास पा सकते हैं। ई दर्शन काउंटर पर एक आदमी 5 लोगों के पास ही ले सकता है, इसलिए याद रखें कि जिन 5 लोगों के पास आप लेने जा रहे हैं उनका आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है। स्पेशल एंट्री दर्शन का एक ही प्रॉब्लम है कि ये पास आपको 2 से 3 महीने पहले बुक करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये पास जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। मगर आपने इंस्टेंटली बालाजी जाने के बारे में सोच लिया होगा तो आपको अगले टाइप का पास काम आ सकता है। हम सर्वदर्शन पास कहते हैं। सर्वदर्शन पास आपको मुफ्त में मिलता है। इसके लिए आपको तिरुमला या तिरुपति में जाना होगा। ये पास आप 3 घंटे पहले तक बुक करवा सकते हैं। नॉर्मल डेज पे आपको ये पास बड़ी आसानी से मिल जाता है। तिरुमला और तिरुपति के सब पब्लिक प्लेसेस जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के ऊपर ये पास आपको मिल सकता है। तो आगे हम बात करते हैं दिव्य दर्शन के बारे में। दिव्य दर्शन के पासेस मुफ्त में मिलते हैं। अगर आप तिरुपति आके सीढ़ियों से तिरुमला तक जाते हैं तो ये पासेस आपको रास्ते में श्री प्रसन्न अजिंक्य स्वामी टेम्पल के पास मिल जाएंगे। इस पास के साथ आपको प्रसाद मुफ्त में मिलता है। तो आगे बात करते हैं कि आप तिरुमला में अपना रूम बुक कैसे करवा सकते हैं।
दर्शन पास की तरह ही ये प्रोसीजर ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन प्रोसीजर करने के लिए आपको टीटीडी की वेबसाइट पे जाना होगा। अगर आप रूम ऑफलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप सीआरओ ऑफिस जो तिरुमला में है वहाँ जाके अपना रूम बुक करवा सकते हैं। सीआरओ ऑफिस ये तिरुमला बस स्टॉप के बिल्कुल सामने है। यहाँ आपको 50 रुपये से लेके 300 रुपये तक के रूम अवेलेबल है। यह रूम बड़े ही साफ और सुंदर होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे अपना रूम ले सकते हो। इस सब प्रोसीजर जैसे कि दर्शन पास पाने के लिए, रूम पाने के लिए आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगर आपको प्री प्लानिंग या तिरुमला में कौन सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप टीटीडी की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई प्री प्लानिंग की बात। अब हम देखेंगे कि आपको तिरुमला पहुंच के क्या करना होगा। सबसे पहले जब आप तिरुपति पहुंचते हो, पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप सीढ़ियों से या रोड से तिरुमला तक पहुंचना चाहते हो। अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो ये याद रखें कि आपको 2000 से 3000 सीढ़ियां चढ़नी होगी। सीढ़ियों के बीच में आपको प्रसाद और खाने की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पे लगेज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये लोग आपका लगेज सीढ़ियों के स्टार्टिंग में लेते हैं और जैसे ही आप तिरुमला पहुंचते हो आपका लगेज आपको दिया जाता है। जो आपका डिसाइड हो जाए कि आपको सीढ़ियों से या रास्ते से ऊपर जाना है तो अगली स्टेप होगी चेकिंग। इसलिए यह याद रखें कि आपके पास ऐसी कौन सी भी चीज ना हो जिससे आपको तकलीफ हो। अगर आप बस से या कार से यहाँ पे जा रहे हो तो आपकी बस या कार की भी यहाँ पे पूरी तलाशी ली जाएगी। इसलिए आपके बस या कार में भी ऐसी कौन सी चीज होनी नहीं चाहिए जिससे आपका दर्शन खराब हो जाए। चेकिंग होने के बाद जैसे ही आप ऊपर तिरुमला में पहुंचते हो तो सबसे पहला काम आपको करना है वो है रूम एलोकेशन करना। रूम एलोकेशन करने के लिए आपको सीआरओ ऑफिस में जाना होगा। अगर आपने ऑनलाइन रूम एलोकेट कर लिया होगा तो आपको अपनी रिसिप्ट लेके सीआरओ ऑफिस जाना होगा, जहाँ पे आपको दूसरी रिसिप्ट दी जाएगी जिसपे रूम नंबर मेंशन होगा। अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक नहीं किए हैं तो आपको सीआरओ ऑफिस में जाके अपने डिटेल सबमिट करने होते हैं। वहाँ से आपको रिसिप्ट दी जाती है जो लेके आपको सीआरओ ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है। सीआरओ ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे आपको रूम नंबर दिया जाता है। ये रूम नंबर की रिसिप्ट आपको लेके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफिस में जाना होता है। वहाँ एक आदमी आपके सब डिटेल्स वापस से नोट कर लेगा और आपको रूम की चाबियां दे देगा। आप जैसे ही रूम में पहुंचते हैं फ्रेश हो लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, क्योंकि दर्शन का प्रोसीजर थका देने वाला हो सकता है। अगर आप मुंडन करवाना चाहते हो तो आप कल्याण कट्टा जा सकते हो। कल्याण कट्टा हर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी दर्शन प्रोसीजर क्या होगी। दर्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको आपके दर्शन पास पे मेंशन किया हुआ जगह पे पहुंचना होगा। इस जगह पे आपको सही टाइम में ही पहुंचना है, क्योंकि इससे पहले आपको अंदर छोड़ा नहीं जाएगा। दो रेड सर्कल में मैंने कुछ सैंपल दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको सही जगह कैसे जाना है इसके बारे में पता नहीं है तो आप तिरुमला देवस्थान की बस जो कुछ ऐसे दिखती है इससे जा सकते हैं। अगर आप चल के जाना चाहते हो तो आपको सब जगह ऐसे बोर्ड दिखेंगे जो आपको एंट्री पॉइंट तक लेके जाएंगे। बालाजी भगवान के दर्शन के लिए जाते वक्त आपके पास किसी भी प्रकार का बैग, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, चप्पल, फूल नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल या चप्पल है तो आप लगेज काउंटर पे ये सबमिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक रिसिप्ट दी जाती है जो आपको फाइनल लगेज काउंटर पे दिखानी होती है। रिसिप्ट दिखाने के बाद ही आपको आपका लगेज वापस दिया जाता है। एंट्री पॉइंट के आगे आप एक लाइन में जाते हो। ये लाइन आपको वैकुंठम वेटिंग हॉल तक लेके जाती है। वैकुंठम वेटिंग हॉल में आपको छोटी छोटी बैचेस में डिवाइड किया जाएगा और एक रूम में बिठाया जाएगा। इस हॉल में आपको 1 से 2 घंटे के लिए बिठाया जाएगा। इसी रूम में बैठ के आप श्री बालाजी भगवान के दर्शन टीवी के ऊपर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रसाद भी दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे 20 से 25 रूम है जिसको एक सिक्वेंस में खोला जाता है। जैसे ही आपका रूम खोला जाएगा आप सीधे एक लाइन में श्री बालाजी भगवान के मंदिर तक पहुंचोगे। श्री बालाजी का सुंदर मंदिर कुछ ऐसे दिखता है। इसमें 3 से 4 दरवाजों के भीतर श्री बालाजी भगवान की मूर्ति होती है। यहाँ पे दियो का उजाला होता है, इसलिए अपने मन को शांत रखे और श्री बालाजी भगवान का नाम ले, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जब आप दर्शन करके मंदिर से बाहर आते हो तो लेफ्ट साइड में लड्डू का काउंटर है। जैसे ही आप लड्डू के काउंटर पर जाते हो
जितने लड्डू आपके दर्शन पास के ऊपर लिखे होंगे उतने लड्डू आपको दिए जाएंगे। श्री बालाजी भगवान के लड्डू पूरी दुनिया में अपने साइज और टेस्ट के लिए मशहूर है, इसलिए भक्तों की यहाँ पे भीड़ होती है। जैसे ही आप प्रसाद लेके बाहर आते हो तो आप श्री बालाजी भगवान के मंदिर के बाहर बैठ या घूम सकते हो। यहाँ पे और भी कई मंदिर है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अन्न प्रसादालय जरूर जाइए। यहाँ पे जो अन्न प्रसाद मिलता है वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर होता है। श्री बालाजी भगवान का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करें। आगे जब आप अन्न प्रसाद खा के बाहर आते हो तो आपको सबसे पहला काउंटर लगेगा, वो है चप्पल कलेक्शन काउंटर। वहाँ पे आप अपने चप्पल कलेक्ट कर सकते हो। आगे चल के आपको लगेज और मोबाइल काउंटर दिखेगा, वहाँ पे आप अपनी पर्ची दिखा के अपना मोबाइल और लगेज कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम बचता है तो आप तिरुमला में घूम सकते हो या रूम में जाके आराम कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट प्लानिंग की ओर। हम देखेंगे कि आपको तिरुमला में कहाँ घूमना है। तिरुमला में घूमने के लिए एक कार या रिक्शा रेंट पे लेनी होगी। कार ऑन एन एवरेज 700 से 800 रुपया चार्ज करती है और रिक्शा 100 से 150 रुपया पर इंसान चार्ज करती है। ये लोग आपको तिरुमला से ऊपर जिसे अप हिल कहते हैं ऐसे 3 स्पॉट और तिरुमला से नीचे जिसे डाउन हिल कहते हैं यहाँ पे 3 स्पॉट घुमा के लाएंगे। अप हिल में आप सबसे पहले श्रीहरि पादालू जाएंगे। श्रीहरि पादालू में ऐसे कहा जाता है कि श्री बालाजी भगवान ने तिरुमला में सबसे पहले यहाँ ही अपने कदम रखे थे। यहाँ पे दर्शन के बाद आप शिला थोरनम और चक्र तीर्थम पे जा सकते हैं। ये तीनों स्पॉट घूमने के बाद आप डाउन हिल जा सकते हैं। डाउन हिल में आप सबसे पहले श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल में जाएंगे। ये दर्शन होने के बाद आप सेकंड स्पॉट जो है आकाश गंगा है यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री बालाजी भगवान का पूजा में इस्तेमाल होने वाला सब जल यहाँ से ही आता है। आगे आप पापनाशनम यहाँ पे जाके आप नहा सकते हैं। यहाँ पे नहाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि आपके सब पाप धुल जाते हैं। आप तिरुपति में श्री पद्मावती देवी के मंदिर और इस्कॉन टेम्पल में भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ अपना वीडियो वाइंड अप। और ये याद रखे, डोंट लिसन टू व्हाट दे से, गो एंड सी। ये है चाइनीज प्रोवर्ब है जिसका मतलब है दूसरों के कहने पर विश्वास मत रखो, खुद जाके देखो। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।